हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग विद शाइन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिए 250 ग्राम्स चिकन, हमने इसे बॉईल करे और इस तरह से इसे श्रेड कर ली। इसका जो स्टॉक बचा था उसमें हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डाले और इसे स्लरी के जैसा यूज़ करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। मेल्ट हो गया, अब हम डालेंगे 1 चॉप्ड ऑनियन और इसे हम सॉफ्ट होने तक के फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 125 ml मिल्क, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 3 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। अब हम इसमें कॉर्नस्टार्च की स्लरी डालेंगे। थिक होने तक के हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए, ये थिक होना स्टार्ट हो गया, इसे हम और थिक करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से थिक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड चिकन। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे और इसके बाद इसके कबाब बनाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, चॉप्ड कोथमीर, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और चिकन का मिक्सचर लेके इसका कबाब बना देंगे। यहाँ हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए है, हम इसे कॉर्नफ्लेक्स से कोट करेंगे। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लेंगे। हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो गए, अब हम इसे आपको डिश आउट करके बताते हैं। ये देखिए, हमने चिकन मलाई कबाब आपको डिश आउट करके बता दिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी।